तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है, जो बिना कंट्रोलर की ये लाइट है वो वर्क कर रही है अभी। तो चलिए आपको भी मैं बता देता हूँ किस तरह से करनी है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि दिवाली लाइट है जिसे हम झालर लाइट भी बोलते हैं, उस लाइट को हम बिना कंट्रोलर के वो कैसे चलाएं, क्योंकि कंट्रोलर है या तो वो टूट जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण हम कंट्रोलर से जो चला नहीं पाते और हमें लगता है ये लाइट अब फेंकनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है, हम इसे बिना कंट्रोलर के भी चला सकते हैं, लेकिन कंट्रोलर हटाने पर क्या वर्क है वो इसमें नहीं होने वाला। तो ये इसमें है जो ब्लिंकिंग का वर्क होता है, ब्लिंक करना ये बंद कर देगी, बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल है जो चलती रहेगी। तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगी और आपको कैमरे में ये ब्लिंक करते हुए भी दिखाई देगी, पर रियल में ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से इसे बिना कंट्रोलर के चलाते हैं। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो देख सकते हो आप कि मेरे पास कुछ इस तरह की कंट्रोलर वाली लाइट है। तो इसका कंट्रोलर वो टूटा हुआ है, वर्किंग कंडीशन में है, पर हमें इसे बिना कंट्रोलर के जो चलाना है। तो अगर आपकी लाइट में 4 तार, 5 तार, 6 तार जो भी हैं सब में वर्क करने वाला है, तो चलिए मैं अब इसका कंट्रोलर हटा लेता हूँ। कंट्रोलर हटाने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की 3 वायर आगे निकल कर आते हैं। तो तीनों वायर में आपको सबसे पहले देखना होगा कि किन किन वायर में है जो LED है वो लगी हुई है। अगर आपके पास 4 वायर 5 वायर हैं आपकी लाइट में, तो वहां पर भी आपको चेक करना होगा। जितने भी वायर में LED लगी हुई होगी उन वायर को अलग करना होगा, और कुछ वायर ऐसे भी मिलेंगे जिसमें LED है वो नहीं मिलेगी, बस एंड तक वो कुछ इस तरह से ही चलते जाएंगे बिना LED के, तो उन वायर को हमें अलग रखना होगा। तो देखिए मेरे वाले में 2 वायर में है जो LED है वो मिली है, तो इन वायर को हमें एक जगह ज्वाइंट कर लेना है। और जिस वायर में सिंगल वायर या फिर डबल वायर भी हो सकता है जिसमें LED है वो नहीं लगी हुई है, तो उनको एक तरफ कर देना है। तो कुछ इस तरह से करने के बाद हमारे पास है जो 2 तार है वो सामने आएंगे न्यूट्रल और फेस के लिए। तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, और ये वायर है जो मैंने दोनों LED के वो जोड़ लिए हैं एक जगह, क्योंकि इनमें LED वो जुड़ी हुई थी दोनों वायर में और सिंगल वायर में नहीं जुड़ी हुई थी। तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह मैंने 2 वायर वो निकाल ली हैं। अब इन वायर को सिंपली हमें प्लग इन में करना है एसी करंट में, तो मैं कर देता हूँ। तो देख सकते हो आप कि ये लाइट है जो चल चुकी है, पर ये आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ब्लिंक आपको कैमरे में करती हुई दिखाई दे रही है और ये स्टेबल ही रहेगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।